खुलासा, विटामिन डी की कमी से भी संक्रमण का खतरा। कोरोना से उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिन्हें विटामिन डी की कमी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। ये हैरान करने वाला खुलासा 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके किया गया है। इसके खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध ढूंढने में जुट गए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका। वैज्ञानिक का कहना है कि वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति में विटामिन डी का स्तर कम है तो उसे खतरा अधिक है। विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। अलग से डोज लेने पर करना होगा विचार। वैज्ञानिक के अनुसार संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन डी की डोज देने पर विचार करना होगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की भी संभावना बढ़ सकती है। एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी की डोज से एक व्यक्ति के सीने में संक्रमण की संभावना 50% कम हो गई। जानिए कैसे बनता है विटामिन डी। 5-10 मिनट धूप में बिताने से फायदा। सुबह के समय व्यक्ति द्वारा 5 से 10 मिनट तक धूप में गुजारने से कुछ हद तक इसकी पूर्ति हो सकती है। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें। शरीर को विटामिन डी खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मशरूम आदि से भी मिलता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है विटामिन सी। आइए जानते हैं इसके सप्लीमेंट्स के बारे में। इस समय देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरस रहा है। भारत में 3.5 लाख से भी अधिक कोरोना वायरस के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अभी तक कोरोना वायरस को लेकर हुए तमाम शोधों में ये बात सामने आई है कि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत है उसे कोरोना वायरस के संक्रमण होने की संभावना काफी कम है। इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के सेवन करने की सलाह दी जा रही है। आइए आज जानते हैं विटामिन सी से जुड़ी कुछ जानकारियां। इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन सी। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। कई शोधों में इस बात का दावा किया जा चुका है कि विटामिन सी का सेवन करने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। विटामिन सी के फायदे। विटामिन सी शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुणों से भरपूर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विटामिन सी का सेवन करने से इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसके कई और भी फायदे हैं। विटामिन सी शरीर से टॉक्सिन की मात्रा को कम करने का भी काम करता है। शरीर के टॉक्सिन के बढ़ जाने से कई तरहों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे टॉक्सिन के बढ़ जाने से स्किन संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। विटामिन सी शरीर के अन्य पोषक तत्वों जैसे कि B12, आयरन, फोलेट, विटामिन डी और ई के अवशोषण को बढ़ावा देने में मदद कर देता है। विटामिन सी हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करने से कई हार्ट संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। विटामिन सी रक्त को प्रवाह को बढ़ाने का काम भी करता है। शरीर को कितने विटामिन सी की आवश्यकता। एक शोध के अनुसार व्यस्त लोगों को प्रतिदिन 65-90 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। बीमार व्यक्ति, प्रेग्नेंट लेडी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 120 मिलीग्राम औसतन विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का सेवन। विटामिन सी के सप्लीमेंट का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी के सप्लीमेंट का सेवन किया जा सकता है, लेकिन सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए।
किस समय करें विटामिन सी के सप्लीमेंट का सेवन? विटामिन सी के सप्लीमेंट का सेवन खाने से 30 से 45 मिनट पहले करें। खाली पेट इस सप्लीमेंट का सेवन करने से अधिक फायदा होता है। अगर आप दिन में इस सप्लीमेंट का सेवन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इस सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले और बाद में कुछ देर तक कुछ न खाएं। क्या विटामिन सी का सेवन रोज किया जा सकता है? विटामिन सी का सेवन रोज किया जा सकता है, परंतु अधिक मात्रा में इन सप्लीमेंट का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके शरीर को इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अधिक सेवन से पेट संबंधी समस्याएं। विटामिन सी के सप्लीमेंट का अधिक मात्रा से सेवन करने से आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, जैसे आपका पाचन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आप सप्लीमेंट की जगह पर उन चीजों का सेवन भी कर सकते हैं जिनमें काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलता है। संतरा, नींबू, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, आंवला। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण।